भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हर सिंह। जय हर सिंह। एवरी मंडे 8 PM। जय हर सिंह। एवरी मंडे 8 PM। जय जय प्रसाद। ऑडियो खोलें सर, अपना ऑडियो पहले। जी सर, नाम अजय प्रसाद, मधुबनी बिहार से सर। और गामा नहीं हंगामा है सर। जी 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 जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देव कुमार पटवारा, राजनगर। जी सर नमस्कार। सबसे पहले उपस्थित तमाम साथियों को मैं देव कुमार राजनगर मधुबनी बिहार से हार्दिक नमन बंदन अभिनंदन करता हूं कि इस मीटिंग को सफल बनाने के लिए आप लोग समय पे जो है सो आके इस मीटिंग में बहुत बड़ा सहयोग निभा रहे हैं। और सर रात में भी गामा और इनोल के प्रोग्राम में थे और रियल में हंगामा होगा सर। जी जी। अरुण कुमार सिंह मधुबनी। हाँ सर, अपना नाम अपना बताना, क्या बोलना, क्या सुबह सुबह अपना नाम, कहाँ से हैं, पहले क्या करते थे और आरसीएम में आके क्या बदलाव आया। जी बोले। हाँ सर, मैं मधुबनी बिहार से, मैं अरुण कुमार सिंह। पहले मैं खेती करता था, अभी मैं इस सिस्टम को सीख रहा हूँ पार्ट टाइम। बबलू साहू जी कहीं रास्ते में है, वीडियो खोले हुए हैं, तो मेरा उन सभी साथियों से अनुरोध है जब कुछ और काम में हो तो आप वीडियो बंद करें, सुन सकते हैं वो भी, वो मतलब ट्रैफिक में हो, किसी मतलब किसी भी वजह से हमें ध्यान नहीं डाइवर्ट होना चाहिए। तो वीडियो खोल के ये ना दिखाएं कि भाई हम कहीं चल रहे हैं और सुन रहे हैं, दूसरे को ध्यान जाए। वीरेंद्र शाह जी। सुबह के वेबिनार में सभी गुरुजनों को प्रणाम। सर मेरा नाम हुआ वीरेंद्र कुमार शाह, मैं मधुबनी जिला के एक खटौना प्रखंड के प्यारा सा गांव खाप से बिलोंग करता हूं सर। और मैं इस बिजनेस से पहले सर टीचिंग करता था और पढ़ाई भी करता था, और साथ में मैं अभी जो इस बिजनेस से मुझे बदलाव आया सर, बहुत ही बेहतरीन बदलाव आया। मैंने जो है सुबह में भी किताब पढ़ने का आदत नहीं था मुझे, और मैं इस बुक को किताब को पढ़ने लगा हूँ और जो है व्यायाम भी करने लगा और आरसीएम को बहुत अच्छी तरह से सीख रहा हूँ गुरुजनों के सानिध्य में। जी सर, थैंक यू सर। छोटे लाल मधुबनी। नमस्कार। जय आरसीएम सभी पार्टिसिपेंट को और सभी गुरुजनों को प्रणाम। मैं छोटे लाल कामत मधुबनी बिहार से। तो आरसीएम में आने के बाद मुझे बहुत बदलाव आया है और मैं अभी विनर पिन पर हूँ। बहुत मजा आ रहा है, मैं सुबह 7 बजे प्रतिदिन जूम मीटिंग पर आता हूँ और बहुत सीखने को मिलता है। और इसी के कड़ी में मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो लोग आपको पर्सनली नहीं जानते उनकी बातों को ही पर्सनली मत लो, आगे बढ़ो और कुछ करके दिखाओ। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। हमारे बीच में हैं बसंत कुमार राउत। बसंत जी आवाज आ रही है आपको? नाम जय आरसीएम, सभी का स्वागत। नाम बसंत कुमार राउत और आरसीएम से पहले 12 साल दिल्ली के अंदर में प्राइवेट जॉब, और आज 2016 से लगातार इस सिस्टम में, इस नए जीवन में सीखते हुए आज आप लोगों के बीच में यहाँ पर उपस्थित। जी सर। जी अमोद यादव जी। जी जी नमस्कार सर। जय आरसीएम। एवरी मंडे 8 PM। जय आरसीएम। मेरा नाम अमोद यादव, मैं मधुबनी बिहार से बिलोंग करता हूं सर, और इस सिस्टम को तकरीबन साल भर से सीख रहा हूं। और इससे पहले किराना का दुकान था मेरे पास, अभी भी है, वो भी चला रहे हैं।
और साथ में आरसीएम का पीयूसी भी लिए हुए हैं सर। जी सर, धन्यवाद सर। जी जी, बहुत शानदार, बहुत जानदार। और आज हमारे बीच में एक डायनेमिक लीडर हैं जो जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, और मैं आप सभी लोगों के विलंब बिना किए हुए बुला रहा हूँ दिलीप यादव जी। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, प्रणाम प्रणाम सभी साथियों को, नमस्कार। जय आरसीएम, सुबह के आरसीएम पाठशाला में मैं दिलीप यादव दरभंगा बिहार से एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित हूँ अपने साथियों के साथ अपना प्रेजेंटेशन को लेकर के। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय गुरुदेव वीके मिश्रा सर को, जिनके माध्यम से पूरा हिंदुस्तान एक सूत्र में बंध गया है, और ये जो प्रोग्राम अनवरत चलता आ रहा है जिसके वजह से आज इसका पावर देखने को मिलता है एवरी मंडे एक पीएम दयारसीएम में, जो मतलब समय से 15 मिनट पहले प्रोग्राम जैम पैक्ड हो जाता है। तो बिल्कुल सर, और बिल्कुल इस जूम के वजह से हम सभी लोग अब आने वाले टाइम में तो डिजिटल प्लेटफॉर्म ही एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा बिजनेस को पूरे हिंदुस्तान में फैलाने के लिए। तो बस ये सुबह का प्रोग्राम और एवरी मंडे 8 PM, और अभी जो सीरीज चल रहा है गुरुदेव बीसी छाबड़ा सर का, तो हम सभी लोग जबरदस्त प्रमोशन कर रहे हैं और बस उसमें हम सभी को आना है। तो आइए आज हम अपने साथियों के साथ अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी से इजाजत चाहेंगे। और सबसे पहले हम लोग जैसे कि जानते हैं कि प्रत्येक दिन 4P पे बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो आरसीएम है वो है क्या, ट्रेडिशनल और डायरेक्ट सेलिंग का जो मामला, और उसके बाद हम लोग समझेंगे प्रोफाइल के बारे में, फिर हम लोग प्रोडक्ट पे बात करेंगे, और सबसे लास्ट में पे आउट पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने बीच में प्लान को बताने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा, हमारे बीच में एक शानदार पर्सनालिटी है उगन यादव जी, आप अनम्यूट करें, आपको मैं रिक्वेस्ट भेज दिया, अनम्यूट करें सर। जी सर, जी सर, जी सर, सभी गुरुजनों को प्रणाम, नंदन अभिनंदन, स्वागत। और इस सुबह के वेबिनार में मैं उगन यादव दरभंगा बिहार से हूँ, सभी गुरुजनों को वेलकम। और मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि देखिए, कोई भी सिस्टम में किसी भी तरीके में यदि हम अभी अपने आप को नहीं ढालेंगे, अपने आप को नहीं बदलेंगे, तो शायद हम बहुत पीछे रह जाएंगे। आज जो मुझे जिम्मेदारी मिला है सर मार्केटिंग प्लान का, तो मैं मार्केटिंग प्लान जो अभी तक मैं सीखा हूँ आप लोगों के समक्ष मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ सर। तो आइए सर जानते हैं आन बान शान मार्केटिंग प्लान। ये मार्केटिंग प्लान में होता है क्या सर कि ये जो कंपनी है, किसी भी कंपनी का बेस देखना चाहिए, किसी भी कंपनी का जो है प्रोफाइल देखना चाहिए, किसी भी कंपनी का जो है आखिर उसका प्रोडक्ट कैसा है, ये सब देख करके हमें ज्वाइन करना चाहिए। और ये सब देखते हुए मैंने 2017 में ज्वाइन किया, 31 मार्च 2017 को ज्वाइन किया। तब से मैं लगातार इस सिस्टम को सीखने की नजरिया से देखता हूँ सर। वैसे है कि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं। वैसे अमीर लोग जैसे टाटा बिरला अंबानी की अगर बात करूं तो वो अमीर लोग अमीर को ही बनाने का काम किया है, लेकिन यदि हम लोग जैसे आदमी को अगर आगे बढ़ने का मौका दिया तो मैं तहे दिल से अपने टीसी सर के लिए मैं एक जोरदार ताली और स्वागत करता हूँ सर को कि हम जैसे लोगों को भी एक मौका दिया। तो चलिए सर, ये आरसीएम, इसके बाद होता क्या है सर कि 84 लाख योनि के बाद ये मनुष्य तन मिला है सर। तो मनुष्य तन मिलने के बाद क्या है कि हम लोगों को जो है सर जीवन यापन करने के लिए कोई ना कोई काम करना पड़ता है सर। काम से मिलता है पैसा, और पैसा को क्या करते हैं हम लोग, तो दो पार्ट में बांट देते हैं, पहला करते हैं खर्चा और दूसरा करते हैं बचत। जी हाँ सर, गरीब हो या अमीर, सबसे पहला काम है उनका खर्चा। और होता क्या है कि पुराने तरीका और नया तरीका, यहाँ दो तरीका है। तो सबसे पहले हम पुराने तरीके पे चर्चा करता हूँ सर। हम लोगों को किसी भी सामान की अगर जरूरत होती है तो हम लोग क्या करते हैं, बगल की दुकान यानी रिटेलर भाई साहब के पास जाते हैं, और रिटेलर भाई साहब के पास सामान लेके दे जाते हैं तो मेरा नाम पड़ता है वहां कस्टमर बन के हम सामान लेते हैं रिटेलर भाई साहब से। लेकिन रिटेलर भाई साहब अपने घर में सामान को नहीं बनाते, ये अपने से ऊपर होलसेलर भाई साहब से सामान को लाते हैं। लेकिन होलसेलर भाई साहब भी अपने घर में सामान को नहीं बनाते, ये अपने से ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर भाई साहब से लाते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात है साथियों कि डिस्ट्रीब्यूटर भाई साहब भी अपने घर में सामान को नहीं बनाते, ये अपने से ऊपर C&F यानी कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट होता है जिससे वो सामान लाते हैं। कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग क्या करते हैं, तो ये डायरेक्ट कंपनी से सामान लाते हैं, लेकिन फिर भी इस कंपनी को मन नहीं भरा, और एक और चेहरा जिसको पूरा दुनिया जानता हो और झूठ बोल बोल के यानी कि प्रचार प्रसार कर करके जो है सो ग्राहक को दिमाग में सेट कर देता है कि सामान अच्छा है। लेकिन साथियों, जहां तक मेरा अनुभव है, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो ऐड करता है ये बिल्कुल ही झूठ ऐड करता है, जबकि ये बिल्कुल ही गलत होता है। अब कंपनी क्या करती है कि देखिए, किसी भी सामान को यदि हम खरीदते हैं ग्राहक बन करके तो हमको MRP पे सामान मिलता है,
एमआरपी का 100% यानी कंपनी जो सामान बनाती है 100 रुपये की सामान 55 रुपये में बनाती है और 45 रुपये जो हमारे जेब से यहाँ खर्च होता है वो इन बिचौलियों भाई साहब के बीच में खर्च हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये पैसा जो है सो कस्टमर का है। अब यहाँ पर सर्वे के अनुसार से देखा गया तो यहाँ पर जो है सो ग्राहक का कुल संख्या 80% है और ये दुकानदार का संख्या जो है सो 20% है। 80% लोगों का पैसा ये 20% लोगों के घर में जा रहा है तो स्वाभाविक है दिन प्रतिदिन वो अमीर होता चला जाएगा, लेकिन ये कस्टमर यहाँ कष्ट से मर रहा है। ये तो हो गया तरीका। अब मैं नए तरीका से बात करूंगा। यहाँ भी एक कंपनी है जिसका नाम है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी खरीदारी करने का सही तरीका, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड राजस्थान भिलवाड़ा की ये कंपनी है। साथियों इसमें क्या होता है कि यहाँ से सामान जो लेंगे तो यहाँ क्या होता है तो यहाँ हमारा नाम पड़ता है डिस्ट्रीब्यूटर, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर बनकर के सामान लेना पड़ता है। इसमें जो है सो यहाँ क्या होता है कि किसी भी सामान को यदि हम खरीदारी करते हैं तो यहाँ एमआरपी पे 10-20% तक हमको छूट मिलता है और शुद्ध सामान होता है साथियों, क्योंकि यहाँ पे कोई बिचौलिया नहीं है। कंपनी और यहाँ पर कहती है कि मैं सामान बनाकर आपके एरिया में पीयूसी का निर्माण करो, आप वहां से सामान को ले सकते हैं, इसलिए इस बिचौलिया कोई नहीं है, इसलिए शुद्ध सामान यहाँ मिलता है। उसके बाद जो फायदा स्तर को वाजिब कीमत मिलता है, वाजिब कीमत ऑल ओवर इंडिया में जहां मर्जी आप सामान को लीजिए एक ही रेट में मिलेगा, जबकि पुराने तरीके में ऐसा नहीं है। के बाद है पक्का बिल। पक्का बिल साथी उसी चीज का मिलता है जो शुद्ध और ओरिजिनल हो, पक्का बिल के मिलता है। उसके बाद क्या है कि बीवी का 10-32% तक बैंक के खाता में वापस आता है। साथियों इसमें होता है क्या कि आपका 10% से जैसे आप शुरू करते हैं तो आपको 10% से शुरू हो जाएगा और 10% से लेकर बिजनेस वॉल्यूम के आधार पर 32% तक आपके खाता में वापस आता है। उसके बाद जो छठा है सर स्पॉन्सरिंग का, ये क्या है, इसमें 3% से लेकर 8% रॉयल्टी और 1% से लेकर 5% तक टेक्निकल। हाँ जी हाँ साथियों, यहाँ रॉयल्टी जैसे इनकम भी है और टेक्निकल जैसे इनकम भी है। उसके यही है सर आम इंसान, वैसे कहावत है दाम में कम, दाम में कम। प्रकाश जी हैं जो बार बार माइक खोल रहे हैं तो उनसे अनुरोध है जो भी साथी हैं जब तक उनका नाम ना बोला जाए कोई माइक ना खोले प्लीज, नहीं तो यहाँ से फिर अगर आप अगर यहाँ से हटे तो फिर दिन भर आज के दिन में आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। चलिए सर कंटिन्यू। तो मैं अपने जिम्मेदारी को बखूबी तरह निभाया और अब सभी साथियों को मैं कहना चाहूंगा और दिलीप सर से मैं फिर आग्रह करूंगा कि सर इस सिस्टम को आगे बढ़ाया जाए। जी सर दिलीप जी सर, जय आरसीएम, जय आरसीएम। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शानदार मार्केटिंग प्लान आप प्रेजेंट किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने स्लाइड को हटा लें सर। और साथियों अभी हम लोग समझ रहे थे जो ट्रेडिशनल और डायरेक्ट सेलिंग में मामला क्या होता है, तो सर मामला 1-2% का नहीं है, यहाँ पे मामला 45% का आ रहा है। जो हमारे घर से 45% पैसे चले जाते थे और मात्र एक छोटा सा डिसीजन के वजह से वो 45% हमारे घर में आ सकता है और उसके लिए हम यहाँ पे KYC कराते हैं और जिस प्रकार से सर हमारे बीच में बताए जो तमाम बहुत सारे फायदे के आप हकदार हो जाते हैं। तो बिल्कुल अब हम जानना चाहते हैं अपने बीच में ये जो कंपनी है जिसके बारे में नाम बताएं सर फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, उसके बैकग्राउंड के बारे में बताने के लिए मैं अपने बीच में आमंत्रित करने जा रहा हूँ राजेश यादव जी सर। राजेश यादव जी सर आप एक बार अनम्यूट कीजिए। आगे आगे सर जी। राजेश सर जी सर जी सर नमस्कार, जय आरसीएम, सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम और आए हुए सभी पार्टिसिपेंट को मेरा दिल से नमस्कार। मैं राजेश कुमार यादव दरभंगा जिला से बिलोंग कर रहा हूं। सर ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है प्रोफाइल बताने के लिए, इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर कर लूं सर। जी 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 तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का नाम वैसे तो फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड है लेकिन कंपनी का नाम जो है सो आरसीएम रेड कंसेप्ट मार्केटिंग रखा गया है। ये आरसीएम जो है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मालिक त्रिलोक चंद छाबरा, जिनके लिए मैं चाहूँगा कि ताली हो जाए, और
सर को मैं भगवान मानता हूँ कि जिन्होंने इतना अच्छा सिस्टम इस धरती पे लाए और हम जैसे आदमी को सेलेक्ट किए। 1977 से कपड़े के व्यापार में ये कंपनी चलती आ रही थी और 2000 ईस्वी में राइट कंसेप्ट मार्केटिंग की शुरुआत हुई। कंपनी सभी गाइडलाइन को फॉलो करती है। कंपनी का 17 लाख स्क्वायर फीट में आरसीएम वर्ल्ड और 4.5 लाख स्क्वायर फीट में अदर फैक्ट्री है। कंपनी का आरसीएम वंडर वर्ल्ड भीलवाड़ा में स्थित है। कंपनी एक डिपो से स्टार्ट करके अभी तक कंपनी का 130 डिपो से अधिक भी रन कर रही है और एक पीयूसी और वंडर वर्ल्ड से चालू हुआ और अभी तक 8500 से अधिक पीयूसी और वंडर वर्ल्ड है। कंपनी के पास रेंज है एमसीजी प्रोडक्ट, न्यूट्री चार्ट भी लेते हैं, बहुत ही अच्छा महसूस होता है। हमारे कंपनी के साथ गुड डॉट है, हमारे कंपनी के साथ प्रेस्टीज है सर, हमारे कंपनी के साथ लिंक है और हमारे कंपनी के साथ बहुत सारे कंपनी अभी टाइप करने के लिए अपना जो है सो चाह रही है, लेकिन हमारे कंपनी के साथ किसॉल है, हमारे कंपनी के साथ राइस ब्रांड ऑल वायल है सर, जो कि दुनिया के सबसे नंबर वन वायल है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अभी के दौर में जो COVID-19 चल रहा है सर, अभी के टाइम में कितना सारा तेल चल रहा है जिसका रेट कितना हाई हो गया है, और हमारा तेल है जो जीवन वरदान देने वाली हेल्थ गार्ड वायल है सर। हमारे कंपनी को माननीय मनमोहन सिंह जी, जो कि 2007 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए, श्री दिनेशा पाटिल जी, भूतपूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री, जिन्होंने 28 अगस्त 2009 को विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किए। हमारे कंपनी को माननीय श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी, भूतपूर्व राष्ट्रपति द्वारा सराहनीय प्रयासों के लिए 31 अगस्त 2010 को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। माननीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भूतपूर्व राष्ट्रपति द्वारा प्रौद्योगिकी के लिए वर्ष 2010 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया सर। हमारे कंपनी को इतना सारा अवार्ड मिला है सर। आइए जी सर। जी जी नमस्कार सर, जय आरसीएम सर। जी राजेश जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद सर। स्लाइड को हटा ले, बहुत शानदार तरीके से कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताए और अभी आप सर बता रहे थे जो अपना जो प्रोडक्ट है हेल्थ कार्ड राइस ब्रैन ऑयल, वो इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है जो मैं जब मार्केट में चेक करता हूँ बहुत सारे ब्रांड है जिनको एक भी अभी तक किसी को पुरस्कार नहीं मिला है, लेकिन ये इतना बेहतरीन कुकिंग ऑयल है जिसके लिए बहुत सारे अवार्ड भारत सरकार के द्वारा भी और भारत के विदेशों के द्वारा भी बहुत सारे पुरस्कार इसको मिल चुके हैं। तो वाकई प्रोडक्ट है ये। बीच बीच में आवाज कहां से आ रही है? नितेश कुमार जी कौन है सर, म्यूट कर लीजिए सर। चलिए सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद राजेश सर, आप अपना साउंड म्यूट कर ले। और साथियों, अभी हम लोग समझ रहे थे ये जो आरसीएम है फैशन कुटिंग प्राइवेट लिमिटेड कितनी मजबूत कंपनी है, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कंपनी का 20 साल का तजुर्बा है और एक प्रोडक्ट एक पीयूसी एक डिपो से जो यात्रा शुरू हुई थी, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर में 10,000 से ज्यादा पिकअप सेंटर, 200 के लगभग डिपो और 200,000 के लगभग डिस्प्ले वाल है और कंपनी का टारगेट है कि 2025 तक 1 करोड़ डिस्प्ले वाल के साथ दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डिलीवरी सिस्टम का नेटवर्क बनाना। गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक बहुत सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो ऑयल के बारे में सर बताए हैं, तो मैं आज प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगा आप सभी के बीच में। देखिए सर, प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं, हर रेंज के प्रोडक्ट है, लेकिन आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा, अभी जो सिचुएशन है कोविड के दौर में हम लोग हैं और अभी सबसे ज्यादा मतलब हर एक व्यक्ति के जुबान पे अगर आप सुनेंगे तो सबसे पहले वो कहेंगे कि नहीं भाई साहब, इम्यून सिस्टम को मुझे मजबूत करना है। इम्यूनिटी को लेकर के हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सजग हो चुका है और सबको पता चल चुका है। एक आम व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता था, लेकिन आज व्हाट्सएप के माध्यम से इतना ज्यादा वायरल होता है और मैं देखता हूं तो मुझे बहुत आश्चर्य लगता है। जो सभी लोग रायचंद का काम करते हैं यहाँ पे, जो आप ये गोली खाइए ऐसे लीजिए वैसे, मतलब कुल मिलाकर के जानकारी लोगों को मिल चुकी है भरपूर।
तो क्या चीज के लिए? इम्यूनिटी के लिए, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। और उसके लिए अभी हाल ही में WHO के द्वारा भी सूचना जारी किया गया था कि अभी अगर आप चाहते हैं आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो तो सबसे पहले अगर आपको कुछ लेना चाहिए तो वो है PBMF। PBMF का मतलब क्या होता है? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर से युक्त आपका नाश्ता होना चाहिए। और सात चीजें जो हमारे शरीर के लिए जरूरत होती है, जिसमें जल, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर। तो जल तो हम लोग ले ही रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट भी जरूरत से ज्यादा लेते हैं, वसा भी जरूरत से ज्यादा लेते हैं। ये तीन चीजें तो प्रचुर मात्रा में हम लोग ले रहे हैं, लेकिन प्रोटीन जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी कहा जाता है उसकी हमारे शरीर में कमी है, विटामिन की कमी है, मिनरल्स की और फाइबर की कमी। और इन चारों चीज की अगर आपके शरीर में लंबे समय तक कमी रहती है तो हमारा कहीं ना कहीं इम्यूनिटी कमजोर होता है। और अगर हमारा इम्यूनिटी कमजोर है तो अभी जो सिचुएशन चल रहा है पेंडेमिक में, तो निश्चित रूप से खतरा बढ़ जाता है साथियों। तो सबसे पहले मैं आपके सामने में सबसे पहले तो मैं अपने इम्यूनिटी का बात करूंगा। और उसके लिए आप देख सकते हैं ये न्यूट्रीचार्ज मैन है, ये जो पैक आता है इसमें 30 टेबलेट होते हैं जिसको मैं यूज करता हूँ। और ये मेरा लास्ट स्ट्रिप है, इसको मैं अभी खोल रहा हूँ। और ये हमारा ये जो टेबलेट है इसके अंदर 33 प्रकार के पोषक तत्व है, जिसमें 13 प्रकार के विटामिन, 13 प्रकार के मिनरल्स, 4 प्रकार के बोटनिकल्स और 3 प्रकार के अमीनो एसिड। ये तमाम 33 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स इसके माध्यम से आपको मिलता है। तो कहीं मेडिकल स्टोर पे जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही शानदार नायाब। अगर आप मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तो विटामिन के लिए अलग और चीज के लिए अलग 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 बहुत सारे कैप्सूल लेने होंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक टेबलेट जिसमें 33 प्रकार के पोषक तत्व आपको मिलते हैं। तो ये मैं एक मिनट का ब्रेक लेकर के आपके सामने में खा रहा हूँ। और साथियों ये आप देख सकते हैं, ये प्रोटीन पाउडर है जो इस प्रकार के पैक में आता है, 15 सैसे इसके अंदर होते हैं और इस प्रकार के सैसे होते हैं। और ये अभी मैं एक पैक दूध के साथ इसको बनाया हूँ स्वीटनर देकर के, और ये एक अभी का मेरा ये नाश्ता है और ये मैं आपके सामने ले रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं ये अपना PBMF कंप्लीट किया और ये इसलिए मैं ले रहा हूँ, लंबे समय से ले रहा हूँ। और WHO की बात तो हाल में आई है और हम जब से RCM में जुड़े हैं 22 मार्च 2014 से, और जब मैं न्यूट्रीचार्ज के ट्रेनिंग में जाना शुरू किया तो उस समय जब मुझे पता चला तो सबसे पहले मैं न्यूट्रीचार्ज मैन तब से ले रहा हूँ सर। और बहुत दिनों के बाद ट्रेनिंग में जाता रहा तब मुझे प्रोटीन के महत्व के बारे में जब समझ में आया तो मैं प्रोटीन और ये कंटिन्यू लेता आ रहा हूँ। तो मुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं, और हम सभी RCM परिवार के हैं और हमारे पास न्यूट्रीचार्ज जैसा प्रोडक्ट है। तो मैं आप सभी साथी से कहना चाहूंगा, ये जो प्रोडक्ट है PBMF, ये अभी और उस दिन अरविंद सागी साहब का जो सुबह सेशन में प्रोग्राम हुआ था वो बताए भी थे कि बाद बाकी प्रोडक्ट बाद में, लेकिन सबसे पहले जो अभी हमारे यहाँ सबके लिए जरूरत है वो है PBMF। और ये इतना बेहतरीन और रिजनेबल रेट में, अगर बाजार में जाएंगे सर इतना सारा चीज लेने के लिए तो आपको बहुत सारे पैसे देने होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको मात्र ये 375 का है। और JRCM अभी हम खुद खोलेंगे तो 300 में मिल जाएगा, ये आपको 660 में मिल जाएगा। तो आप दौड़ के देखिए, 960 रुपया में आपका, और 9-6 लगभग 1500 रुपया में आपका एक महीना का बजट हो जाता है और ये कम्प्लीट आपका PBMF कम्प्लीट हो जाता है। तो बिल्कुल आप सभी साथी लें। और इसके साथ साथ मैं जब दोपहर में खाना खाऊंगा तो ये आप देख सकते हैं S5, ये भी एक सुरक्षा कवच के रूप में है, जिसमें 5 प्रकार के हर्ब्स हैं, एलोवेरा, नीम, पुदीना, तुलसी और कलौंजी। तो बिल्कुल ये सुरक्षा कवच का काम करता है, जो ये उसके बाद मैं लेता हूँ खाना खाने के बाद। और ये लेने के बाद इतना तो अंदर से जबरदस्त ये कॉन्फिडेंस है कि नहीं, अगर कोरोना आया भी तो उसको वापस जाना होगा, उसको समझ में आया कि मैं गलत जगह पे आ चुका हूँ। और गलती से आया भी है तो भी उसको अंदर जा करके उसको वापस होना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ साथ साथियों मैं ये भी लेता हूँ, ये देख सकते हैं आप, गामा ओरिजिनल, लाजवाब जबरदस्त प्रोडक्ट। और जब से मैं ट्रेनिंग इस बीच में लगातार चल, रात में भी था, तो इसको मैं अभी 3 लेना शुरू कर दिया हूँ। पहले तो मैं सुबह, दिन में और रात में लेता था, लेकिन अभी मैं इसको 3 कर दिया हूँ। और जबरदस्त प्रोडक्ट है सर। कल जैसे ईशा मैम बता रही थी, जो इस प्रोडक्ट को अगर रात में लेते हैं आप खाना खाने के बाद तो जबरदस्त नींद आएगी। और मैं इसको पहली बार जब लिया सर परसों रात में, तो मुझे आश्चर्य लगा, जो मेरा नींद बहुत पतला है, लेकिन मैं ऐसा गाढ़ा नींद में था कि रात में मुझे कई बार उठाया गया, लेकिन मैं उठाने के बाद सुबह सुबह उठे हूँ। गजब का प्रोडक्ट और स्वास्थ्य के लिए तो लाजवाब है। तो इतने सारे प्रोडक्ट साथियों मैं लेता हूँ, तो आप सभी भी निश्चित रूप से PBMF तो सबसे पहले लें, और अगर सक्षम है तो एक्स्ट्रा ये भी प्रोडक्ट है लें, क्योंकि अभी बचना और बचाना अपने आप बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो बस मैं अपना ये थोड़ा सा बताने का प्रयास किया हूँ। और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग जानना चाहते हैं, जैसे कि अभी आप दो चीज क्लियर हो चुका है आपको कि ये प्रोडक्ट है जिसमें रिटेल बेनिफिट आपको मिल गया 375 का है, आपको 300 में मिलता है और उसमें बीवी मिलता है 75%, लेकिन पैसे आते कैसे, इसमें और कितने पैसे आ सकते हैं, ये बताने के लिए मैं अपने बीच में आप सभी का साथ लेते हुए हुकुमदेव जी हैं सर। हुकुमदेव जी सर आप अनम्यूट करें और जी, जी सर जयहर्षियम, बिल्कुल जयहर्षियम जी सर जयहर्षियम जी सर सबसे पहले आरसीएम पाठशाला में उपस्थित सभी साथियों गुरुजनों को वंदन अभिनंदन। मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम हुकुमदेव यादव, मैं दरभंगा बिहार से और ये सुंदर से सिस्टम को तकरीबन मैं 7-8 महीने के आसपास से सीख रहा हूँ, यानी कोरोना काल से। और मेरे ग्रेट अपलाइन आदरणीय दिलीप सर हैं, सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि सर मुझे एक सुंदर सा सिस्टम के बारे में बताएं और बहुत अच्छा लग रहा है। बाय प्रोफेशनल मैं एक टीचर हूँ, एक सुंदर सा कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ और इसको चलाते हुए मैं आरसीएम कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इसमें। और आज सर मुझे जिम्मेदारी दिए हैं पे आउट के बारे में बताने के लिए, तो आप लोगों के बीच स्क्रीन शेयर के माध्यम से मैं पे आउट बताना चाहूंगा। तो एक मिनट सर मैं स्क्रीन शेयर कर लूं। जब तक सर स्लाइड शेयर करते हैं तब तक मैं एक सवाल ले रहा हूं। अभी एक साथी चैट बॉक्स में भेजे हैं कि बगैर नाश्ता का पीबीएमएफ कैसे लें। साथियों मैं आपको बताऊं, नाश्ता ही यही है, पीबीएमएफ ही नाश्ता है। पहले हम लोग कुछ और लेते थे नाश्ता में, लेकिन अभी नाश्ता का सब्स्टिट्यूट है, ये ले लिए तो आपको नाश्ता करने की जरूरत नहीं है, एक बार ही आप खाना खाएंगे। तो बिल्कुल सर जी, हुकुमदेव सर स्लाइड को लाए सर। जी जी सर, शेयर नहीं हो रहा है क्या, मैं शेयर कर दूं क्या? ऑप्शन ही नहीं आ रहा सर, पता नहीं क्या हो गया मेरा। चलिए चलिए कोई बात नहीं, मैं आपके बीच में शेयर करता हूं, तब तक एक सेकंड का मैं समय लूंगा और आप अपनी बातों को कंटिन्यू करें सर। जी सर, स्लाइड आपको दिख रहा है सर? लगता है सर का नेटवर्क इशू। चलिए साथियों कोई बात नहीं, इसमें आइए हम जानते हैं जो पैसा कैसे आता है। जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से प्रोडक्ट खरीदता है तो कंपनी प्रोडक्ट के साथ बिजनेस वॉल्यूम देती है जिससे इनकम आता है। तो सबसे पहले बात आती है बिजनेस वॉल्यूम और परसेंटेज को थोड़ा सा हम लोग समझे। 100 से लेकर के 4999 बीबी तक आपका और आपके टीम का खरीदारी होता है तो आप 10% पे होते हैं। 5000 से ऊपर जैसे ही आपका ये टर्नओवर जाता है तो आपको 12% मिलता है, 10,000 से ऊपर 14%, 20,000 से ऊपर 16.5%, 40,000 से ऊपर 19%, 70,000 से ऊपर 21%, 115,000 से ऊपर 24%, 170,000 से ऊपर 26%, 260,000 से ऊपर 29% और 350,000 से ऊपर जब आपका टर्नओवर होता है तो आप 32% पे चले जाते हैं। और यहाँ पे रॉयल्टी के बारे में भी दिया गया, थोड़ा समय बात कर लेता हूँ क्योंकि अब तो बात रॉयल्टी की, अब तो परफॉर्मेंस बोनस में ही इतना ज्यादा कैपेसिटी है कि आपको रॉयल्टी बाद में आएगा लेकिन लाखों का इनकम पहले आएगा। लेकिन फिर भी एक लेग में जब आपका 3.5 लाख होता है, दूसरे लेग में 1,15,000 तो 3%, एक लेग में 3.5 लाख, दूसरे लेग में 1,70,000 तो 4.5%, एक लेग में 3.5 लाख, दूसरे लेग में 2,60,000 तो 6% रॉयल्टी, और एक लेग में 3.5 लाख और दूसरे लेग में भी जब 3.5 लाख का बिजनेस होता है तो 8% रॉयल्टी एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप इस बिजनेस से लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 5,000 बीवी सेल्फ आईडी पर हर महीना करना जरूरी है। और सर यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको करेक्शन करना चाहूंगा, 5,000 बीवी सेल्फ आईडी पर करने का मतलब हुआ जो आप पूरे महीने में भी कर सकते हैं, लेकिन बातें यहाँ पे हो रही है अगर हम इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो कमिटमेंट सबसे पहले मुझे खुद से करना होगा कि मुझे डायमंड क्लब में आना, यही 5,000 भी मुझे 1 से लेकर के 10 तारीख के बीच में करना है। और इस महीने में अगर आप नहीं कर पाए हैं तो आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप 20 तारीख तक अगर कंप्लीट कर लेते हैं अपना 5,000 भी, तो गारंटी है कि अगले महीने से आपका 1 से 10 तक आपका ये डायमंड क्लब में आप आने लगेंगे, 5,000 भी होने लगेंगे। तो बिल्कुल सर 5,000 बीबी आज के समय में कोई मुश्किल काम नहीं है, आप डिस्प्ले वाल से शुरुआत करें। डिस्प्ले वाल क्या है, 5,000 बीबी करने का आसान रास्ता है, लाखों रुपए इनकम देने वाला डिस्प्ले वाल ऑनलाइन व्यापार, अपने टीम और अपने आईडी पर बिलिंग कर सकते हैं, अपने घर के दीवार पर एक छोटा सा रैक बनाकर कंपनी का प्रोडक्ट आपको सजाना है,
डिस्प्ले वाला शुरुआत कैसे करें, अपने घर में उपयोग होने वाला प्रोडक्ट 2 से 3 महीने का एक साथ आप खरीद लेते हैं, कम से कम 10,000 की बिलिंग करनी होती है, आपको एक कोड मिल जाता है, बिलिंग का राइट कंपनी आपको दे देती है, और उसको सजाएं आप अपने घर में लाकर के प्रोडक्ट को, और इस प्रकार से अपने बिजनेस का शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही प्रोडक्ट का नॉलेज लेना है, ऑफलाइन के संपर्क में रहना है, हर महीना डिस्प्ले वाल को अपग्रेड करना है। अगर आप डिस्प्ले वाल शुरू करने के साथ कुछ लोगों की मदद करते हैं डिस्प्ले वाल शुरू करने में, तो आपका इनकम तेजी से दुगुना तिगुना चारगुना होने लगता है। जैसे कि आइए जानते हैं थॉरलेन फॉरेस्ट के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो मुझे खुद करना है 5,000 बीबी डायमंड क्लब में आना है डिस्प्ले वाल ओपन करने के साथ साथ। और अब मुझे क्या करना है, जब आप डिस्प्ले वाल शुरू करते हैं उसका आप गेट टुगेदर करते हैं, अपने यहाँ अपलाइन को बुलाते हैं, कुछ लोग आपके यहाँ आते हैं, उनके मन में भी जब जिज्ञासा होती है तो उसके फायदे क्या है, तो उनको अगर आप बताते हैं इस प्रकार से, 4 लोग अगर आपके साथ एमबीसीएस लोग आते हैं तो उसमें ABCD डायरेक्ट आप स्पॉन्सरिंग के माध्यम से सभी का ज्वाइनिंग करवाते हैं, वो लोग भी अगर डिस्प्ले वाल के साथ शुरू करें 5,000 बीबी के साथ, तो आइए जानते हैं इनकम कितना बनेगा। तो अगर इस तरह का स्ट्रक्चर होगा जो आपका बीबी 5,000 और आपके साथ 4 लोग हैं और सभी लोग 5,000 बीबी करते हैं, तो टोटल टर्नओवर टीम का हो जाएगा 20,000, आपका है 5,000 तो हो जाता है 25,000, और जैसे ही आप 25,000 पे जाता है आपका टर्नओवर तो आप 16.5% पे चले जाते हैं, लेकिन जस्ट जो आपके डाउनलाइन सभी लोगों का टर्नओवर 5,000 का है तो वो लोग 12% पे है, तो 12% चारों जगह पे चला जाएगा। तो इस प्रकार से टोटल अगर निकालेंगे 25,000 का 16.5% तो हो जाता है 4,125 रुपया, और 600-600 करके 2,400 रुपया आपके टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो उसको अगर घटाएंगे तो नेट कमीशन आपका बनेगा स्टेप वन में 1,725 रुपया, शानदार पेआउट बनेगा सर। अब इस प्रकार से क्या होता है, आपने जिस तरह 4 लोगों को लाए उसी तरह हुए 4 लोग भी 4-4 डिस्प्ले वाल शुरुआत करवाएंगे। तो स्टेप 2 में क्या होता है आइए जानते हैं। स्टेप 1 में आपका 25,000 का टर्नओवर हुआ था, स्टेप 2 में आपके जो जस्ट डाउनलाइन में 4 लोग हैं उन लोगों का 25,000 का टर्नओवर होगा। इस प्रकार से आपका टीम का टर्नओवर 1,00,000 और खुद का है 5,000, तो नेट टर्नओवर आपका 1,05,000 हो जाता है, और आप चले जाते हैं 21.5% पे। अब आपके जस्ट डाउनलाइन है उनका टर्नओवर है 25,000, तो वो है 16.5%। तो इस प्रकार से क्या होगा कि 1,05,000 का 21% आप निकालिए तो वो होता है 22,575, और 25,000 का 16.5% होता है, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,00,000 का निकालेंगे तो 16,500 हो जाएगा। तो वो घटाने के बाद नेट इनकम आपका स्टेप 2 में 6,075 का आता है साथियों। अब स्टेप 3 में क्या होता है, आपके जो जस्ट डाउनलाइन है उनको लेके चलना है 6,075 के इनकम पे, तो आपका कितना होगा ये जानते हैं। तो आपका 1 लेग का बिजनेस होगा 1,05,000, और 4 लेग है तो 4 लेग में 4,20,000 और खुद का 5,000, तो टोटल टर्नओवर 4,25,000 का होता है, और डायरेक्ट आप 32% के लेवल पे चले जाते हैं साथियों। और यहाँ पे क्या होता है कि आपका टोटल 4,25,000 का 32% होता है 1,36,000, लेकिन 1 लेग से आपका है 1,05,000, उसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4,20,000 का 21% निकालेंगे तो 90,300 होता है। आपका नेट पेआउट यहाँ पे स्टेप 3 में 45,700 रुपये का बनता है, शानदार पेआउट। और यही चीज अगर आगे एक स्टेप और डुप्लीकेट होता है तो उस कंडीशन में आप पे 1 लेख का बिजनेस हो जाता है 4,25,000, और टोटल टर्नओवर हो जाता है आपको 17,00,000 का। और यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंस कमीशन नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट आपको 8% रॉयल्टी इसी तरह हो जाते हैं, और यहाँ पे आपके परफॉर्मेंस बोनस का जो इनकम आएगा 5,000 का ऊपर 32% मिलेगा 1,600 रुपया, और टीम का जो टर्नओवर है उसका 8% रॉयल्टी मिलेगा तो वो हो जाता है 1,02,000। तो शानदार आप 1,03,600 रुपये की इनकम पे आप जा सकते हैं इतना इस तरीके से, अगर आप 5,000 बीबी के डुप्लीकेशन पे अगर काम करें। लेकिन शुरुआत सर खुद से करनी होगी, खुद नहीं करेंगे तो आप आगे तो किसी को बता नहीं सकते हैं। लाखों रुपया कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप लाखों रुपए कहीं से भी कमा सकते हैं, लेकिन अभी जो स्थिति है और सिचुएशन है देश की, अभी तो बहुत मुश्किल है सर। आप अगर आरसीएम के अलावा बात करें लाखों रुपए कमाने की, तो बहुत सारे लोग करोड़ों लगा कर और घर में बैठ के रो रहे हैं। तो इस स्थिति में सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम से जुड़ के आप चाहें तो, यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है और आप एक सिस्टम काम करती है जिसके पावर से आप यहाँ पे लाखों की इनकम पे जा सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ मिलेगा आपको समय की आजादी, पैसे की आजादी, फैमिली फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जिसपे रात में गुरुदेव जैन साहब बात भी किए थे, पिन अवार्ड सर्टिफिकेट, देश विदेश तमाम चीजें आपको एक साथ यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे मिलती है साथियों। तो बिल्कुल अभी मैं आपके बीच में बताने का प्रयास किया हूँ ये जो अपना पे आउट है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अभी आप सभी मेरे को बहुत ही सुन रहे थे तन्मयता के साथ, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के जो प्रोग्राम है और इसके जो गेस्ट हमारे बीच में,
वो कोई और नहीं, हम सभी के चहेते जो पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांधने का काम किए हैं। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत बड़ी काम होती है। कभी लोग आते हैं, कभी रुकते हैं, फिर जाते हैं, लेकिन फिर भी सर का लगातार बना हुआ होना इस कार्यक्रम में, आज इतने बड़े लेवल पर यह कार्यक्रम पहुंच गया है, तो सर का खूब प्रयास। तो सर को मैं आप सभी का साथ लेते हुए मैं बुलाना चाहूंगा, पूरे हिंदुस्तान के शानदार पर्सनालिटी, जबरदस्त क्वालिटी सर के अंदर है, और हम सभी लोग प्रत्येक दिन सर से सीखते हैं, और जबरदस्त जिम्मेदारी को निभाते हुए पिछले एक सवा साल से सर आ रहे हैं। तो आप सभी का साथ लेते हुए मैं बुलाना चाहूंगा डी के मिश्रा सर, आपका स्वागत है, वेलकम। बहुत शानदार, बहुत शानदार। दिलीप जी को तो मैं खुद सुनने के लिए, और उनकी जो तरीका है, जो अपने लोगों को तैयार करके लाते हैं, मतलब उससे पता लगता है कि भाई रियली में हमें तैयारी चाहिए। हमारे बीच में जितेंद्र कुमार सिंह हैं, ये बार बार माइक को खोल रहे हैं। सर कुछ लोग हैं जो यहाँ आके रिसर्च करते हैं, वो दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए हम लोगों ने फोर्सली माइक बंद नहीं किया हुआ है। जितेंद्र कुमार जी आप बंद करें ना ऑडियो, सर आपको एक दो बार क्या नाम है वेटिंग में भी डाला, तो अब इसे अच्छा नहीं लगता है कि हम आपको वेटिंग में डाल दें। आपको अगर रिमूव कर देंगे, जिसको भी अगर भाई साहब अगर किसी को रिमूव किया जाएगा तो वो दोबारा पूरे दिन एंट्री नहीं कर पाएगा इस आईडी पर। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग बड़े ध्यान से यहाँ सुने जाने, और अगर ये सुनेंगे जानेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम सब लोग जान रहे हैं, मुझे याद है कि जो रवि ओपी शर्मा है, उनके पिताजी जो ओपी शर्मा थे, वो मीटिंग में अगर कोई व्यक्ति उठ के इधर उधर घूमता था या जैसे ही खड़ा होता था मीटिंग में बैठने से, और जब निकलने लगता था तो पूछा जाए भाई कहाँ जा रहे हो, तो बोला मैं जैसे बाथरूम जा रहा हूँ, तो बोला इनको 30 रुपये वापस करो, ये बाथरूम जाए। अगर कोई एक घंटा मीटिंग में बैठ के अपने जीवन बनाने के लिए समय नहीं दे सकता, उसको ये मीटिंग जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। लोग थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करते, देखो राजकुमार जी आ गए, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो या तो उन्हें पता ही नहीं है, जिसके भी टीम तो पूरी ट्रेनिंग दें, बताएं कि अपनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जिम्मेदारी क्या है। चलिए कोई बात नहीं, हम सभी लोग साथी हैं, बहुत सारे हमारे साथी ऐसे भी हैं जो जानते नहीं, लेकिन बहुत सारे जब साथी जानबूझकर करते हैं तो उनकी सफलता में वही बाधा हो जाती है। तो आप अपनी सफलता में खुद बाधा ना बने, इसलिए आपको ये जरूरी है। ठीक है, हम चाहें तो ये फोर्सली बंद कर दें, आप बिल्कुल हिल डुल नहीं पाएंगे, लेकिन फिर होता क्या कि हम चाहते हैं जिसका नाम ले वो आए और वो बोले। तो आप अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करें और सीखें, सिखाएं, और एक ऐसे टीम का निर्माण करें जिससे कि आपके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आए, ये सोच बनाएं। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं डेली चल रहा है एक सीरीज बीसी छाबड़ा जी का, उसका प्रचार जरूर करें। देखिए मैं कुछ सोच रहा हूँ कि हर नया आदमी कुछ नया करेगा तो ज़्यादा काम बड़ा कर पाएगा। मेरा नाम, मैं परिचय दे दूँ, मेरा नाम वीके मिश्रा है। वैसे मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में मेरा जन्म हुआ, लेकिन मेरी पढ़ाई शिक्षा दिल्ली में हुई, क्योंकि पिताजी दिल्ली में सर्विस कर रहे थे, तो उनको लगा कि बच्चा दिल्ली गांव में रहेगा तो अच्छा नहीं पढ़ पाएगा, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, जैसी सभी गार्जियन की एक इच्छा होती है। तो दिल्ली में पढ़ाई होने के बाद एक सरकारी नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक आईटी सेक्टर में काम करने का मौका मिला, और काम करने के दौरान मैं एक ही चीज़ सीखा कि एक आदमी ज़िंदगी में नौकरी करके अमीर नहीं बन सकता है। जो जनरल मैनेजर होते थे वहाँ, जिनकी बहुत बड़ी सैलरी होती थी, लेकिन वो भी परेशान रहते थे। तो मेरा एक ही था कि भाई बिजनेस से कुछ हो सकता है, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट हम लोगों से डाटा लेता था, इन्फॉर्मेशन लेता था। तो हम मेरे माइंड में भी था कि कोई मेरा भी साइड में बिजनेस होना चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे जो ग्रेट अपलाइन है, ग्रेट स्पॉन्सर हैं, जेके जैन साहब, उसी कंपनी में अकाउंट्स में थे, और उन्होंने मुझे ये सिस्टम बताया कि मेरे में एक जानने वाले खास हैं जिनकी अपनी इंडस्ट्री है, और वो अपनी इंडस्ट्री में कपड़ा बनता है और कपड़ा डायरेक्ट लाना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा चलो मिलेंगे, और वो मुलाकात कुछ मेरे प्रश्न उत्तर केसी छाबड़ा जी से हुआ,
और उन्होंने मेरे को सेटिस्फेक्शन दिया और मैंने वो निर्णय लिया कि हाँ इसे करना चाहिए। हाँ ये निर्णय जैन साहब ने ये निर्णय 6 महीने में जॉब छोड़ दिया, फुल टाइम आ गए। मुझे 2 साल लगे, 1 साल का बॉन्ड भरा, कुछ नया सॉफ्टवेयर आ रहा था ERP उसको करने में, और वो सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट होने में 2 साल लगा। तो मैं 2 साल बाद छोड़ा, 2 साल का नतीजा ये निकला कि वो कहाँ निकल गए और मैं स्टार एमरल्ड तक ही पहुंच पाया। अगर ये जीत निर्णय मैं भी उनके साथ ले लेता तो शायद मैं भी। तो सर कहीं से आवाज आ रही है दिलीप जी? राम प्रकाश जी अपना ऑडियो बंद कर रखा। ओ बहुत बड़ा था ना। अब मैं आज ये बताना चाहता हूँ, बहुत सारे साथी हमारे काफी दिनों से हैं, देख रहे होंगे, ये जो प्लान है हमारा, देखिए इस सिस्टम की जान है प्लान, आन बान शान है प्लान। और आपके हर डिस्ट्रीब्यूटर, हर ग्रुप के हर इन, मतलब आपका ग्रुप मतलब टाटा ग्रुप ये मान लीजिए, बिरला ग्रुप, अदानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप, ऐसे ही आपके नाम के साथ ग्रुप लगा लीजिए। और अगर ये मान लिया आपने, जान लिया और ठान लिया ये कैसे होगा, तो आपको कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जो भी आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, एक दिन उसकी शुरुआत भी जीरो से हुई थी। आपका भी ये ग्रुप बनने का ये मौका मिला और मैंने इस पर काफ़ी बात किया हुआ, कैसे आप ग्रुप का निर्माण कर सकते हैं, कैसे आप सोच सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे प्लान के ऊपर। आपने देखा है प्लान, आज किसी के पास टाइम नहीं है और आज हम डायरेक्ट लोगों से मिल भी नहीं सकते हैं और आगे क्या समय आएगा हमें मालूम भी नहीं है, फ्यूचर के बारे में हमें पता नहीं है। हमें ये जानना है कि जो हमारा भूतकाल है जिसको हम पास्ट टेंस कहते हैं, उसमें केवल हम 5% हमें रहना है। हमें 80% आज जो प्रेजेंट टेंस है, जो वर्तमान काल है उसमें जीना है और 15% हमें फ्यूचर के लिए सोचना है। अगर ये परसेंटेज आपने सोच लिया तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और प्लान को पहले, प्लान आपने देखा होगा 1-to-1 प्लान, जो कॉपी पेन का, पेपर प्लेन का प्लान होता था, उसके बाद ये प्लान आया होम मीटिंग में, मतलब कुछ लोगों के साथ वो पेपर पे हो सकता है, वर्बल हो सकता है या बोर्ड प्लान हो सकता है। फिर हमने देखा कि जहाँ बोर्ड था वहाँ बोर्ड प्लान हमने किया। उसके बाद हमने एक समय आया जब ज़्यादा लोगों की मीटिंग होने लग गई तो बोर्ड से लोगों को नहीं दिखता था, तो हमने 7 लोगों को खड़ा करके प्लान देने का तरीका निकाला। ये जो हम समय समय पर हमने जो बदला, लोगों तक जाने का, अपने मैसेज को देने का तरीका ढूंढा। अब चूंकि प्लान का आ गया मोबाइल टू मोबाइल प्लान, अगर आपकी टीम जान गई देना, वो 2 मिनट से ज़्यादा का नहीं है, 1 मिनट से 2 मिनट के बीच में मोबाइल टू मोबाइल प्लान होता है। और मैं वो 2 मिनट आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे वो होता है। अगर आप जान गए और आपने उस पर काम कर लिया तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं? मैं कुछ लोगों से चैट बॉक्स में चाहता हूँ कि वो बोलें, अगर यस लिखें, हाँ मैं जानना चाहता हूँ कि मोबाइल टू मोबाइल प्लान क्या होता है। आपका यस ही मुझे बता पाएगा कि मैं उसको कैसे बताऊँगा। बहुत बढ़िया है, कुछ लिखना चालू हो गया है। और देखिए आपके अंदर से उसी समय जब ये चीज़ें आती है तब वो आप ये पता चलता है कि हाँ आप उत्सुक हैं, आप जानना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं। क्योंकि अब आज का समय को देखते हुए अगर आप काम करेंगे तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, और ये आप अपने टीम को गाइड कर पाएंगे। तो मैं जा रहा हूँ कैसे, स्क्रीन शेयर के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चूंकि इस आईडी से मैं और बेहतरीन तो नहीं बता सकता, क्योंकि इस आईडी में जैन साहब ने वो लॉक कर दिया, हमारे साथी जो छेड़ते रहते थे जो पेन वाला, उसको उन्होंने हटा दिया। आप ये सोचे नहीं तो और ये और बढ़िया जान सकते हैं। लेकिन कभी हम दूसरे आईडी पे मिलेंगे तो वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन आज मैं 1 से 2 मिनट में आपको एक बार प्लान बताने की कोशिश करता हूँ। ये स्क्रीन में गया, जब भी आप लोगों को जूम अपने ऐड करना पड़ेगा, जूम पे जाना पड़ेगा और फ्री देता है सेशन, फ्री सेशन में आपको आना पड़ेगा। और ये जूम आ गया, मेरी स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे, मैं गया आपके व्हाट्सएप में और मैंने अभी कल ही किसी को बताया था, वो मैं आपको ओपन कर रहा हूँ। मैंने ये भेजा था एक डॉक्यूमेंट, उसको भेजा और उसको सिखाया कि देखिए प्लान 6 बेसिक्स, 8 कोर स्टेप और 7 कार्डिनल रूल। और मैं इसको यहाँ प्लान खोल रहा हूँ, सभी के स्क्रीन पर मैं जो जान पा रहा हूँ, मैं सभी के स्क्रीन पर मेरा प्लान आ गया होगा क्या? अगर यस तो लिखें यस, चैट बॉक्स में लिखें यस, प्लान आ गया क्या? हाँ जी। तो अब ये प्लान 2 मिनट का प्लान है, आपको कैसे बताना है,
आप जब भी किसी को ये शेयर करें, वन टू वन बता सकते हैं। इसके अंदर आपको करना क्या है, मार्केटिंग प्लान ऑफ आरसीएम बिजनेस। टाइम देख लें कितना समय लग रहा है। दिलीप जी आप टाइम नोट करेंगे, सभी लोग काम करते हैं आपके स्क्रीन पर, सबसे ऊपर मार्केटिंग प्लान के नीचे काम लिखा हुआ है। काम क्या करते हैं देखिए, काम गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट काम शुरू होता है, लेकिन हम 8 घंटा जो काम करते हैं उससे हमारे घर में इनकम आती है। वो काम होता है या तो नौकरी या बिजनेस या खेती या मजदूरी। उसके बाद जो भी काम करता है, कहीं भी करता है, ये काम से जुड़ा हुआ है, उसको मिलता है पैसा। पैसे को क्या करता है, खर्चा। खर्चा कहाँ करता है, बाजार में। बाजार में जब खर्चा करता है तो उसका नाम होता है ग्राहक। और वो ग्राहक को आप देख पा रहे होंगे, ये ट्रेडिशनल सिस्टम में सबसे नीचे। और जो 100% यानी 100 रुपये का सामान मिलता है, वो कोई कंपनी 50 रुपये का बनाती है। 50 रुपये कहाँ जा रहा है, ये 50 रुपये जा रहा है प्रचार में, 50 रुपये जा रहा है, 50 रुपये का कुछ हिस्सा जा रहा है प्रचार में, कुछ हिस्सा जा रहा है सीएनएफ एजेंट के पास, कुछ हिस्सा जा रहा है डीलर के पास, कुछ हिस्सा जा रहा है थोक विक्रेता के पास, कुछ हिस्सा जा रहा है रिटेलर यानी फुटकर विक्रेता के पास। ये 50% पैसा हमारा गाड़ी कमाई का जा रहा है, और उससे हमें क्या मिल रहा है, नुकसान हमें क्या है, फायदा तो कुछ हुआ नहीं आज तक, केवल प्रोडक्ट मिला, चूंकि हमें हमारी जरूरत था तो हमने लिया, हमें नुकसान हुआ, महंगा मिला, हमें नकली मिला, हमारा स्वास्थ्य खराब किया, नकली है तो स्वास्थ्य खराब करेगा, हमें आज तक कोई आमदनी नहीं मिला, हमने लिया, हमारे पिताजी ने लिया, पिताजी के पिताजी ने लिया, पिताजी के पिताजी ने लिया, इस तरह से सिलसिला चलता आया। लेकिन पहली बार हिंदुस्तान की एक कंपनी ने बीड़ा उठाया कि हम वही प्रोडक्ट, सामान वही जो लेते आए, दाम वही जो देते आए, और काम वही जो करते हुए आए थे, हमें एक डायरेक्ट एक रजिस्टर्ड कर रही है, अपने से जोड़ रही है, कुछ डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट के नियम है उससे मांग रही है, जो कि हमने पहले भी जहां हमें सुविधा मिली है, जैसे सिलेंडर में मिली तो हमने दिया है, फिर यहां पर देने से हमें पेस्ट में, साबुन में, नमक में, हल्दी में, धनिया में, मिर्च में सब्सिडी मिलेगी, और वो मिलेगी आप ये मान के चलो 10 से लेके 32% तक की सब्सिडी मिलेगी, खाते में आएगी, छूट मिलेगा, और हमारे को सस्ता मिलेगा, 100% असली मिलेगा, अच्छा स्वास्थ्य होगा, एमआरपी से 10 से 20% छूट मिलेगा, और 45% का पार्टनर बना रही है कंपनी, 45% इसको अपना जिस हिसाब से बताएंगे उतना, और साथ में 3 से 13% वो इनकम मिलेगी। जब आप दो ही काम करना है, खर्चा और चर्चा, खर्चा करने से 10 से 32% मिलेगा और चर्चा करने से 3 से 13% मिलेगा, और ये 3 से 13% जिनको मिलता है उनकी लाखों में इनकम होती है, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, जिनकी अगर किसी को, आप बहुत सारे वायरल हो रहे हैं स्टेटमेंट आप देख रहे होंगे, उसमें उठा के देखिए 3 से 13% की जो इनकम है, रॉयल्टी और टेक्निकल की इनकम है, वही लाखों में है। तो ये अगर किसी के साथ हुई है तो आपके साथ भी होगी। तो मेरा ये प्लान यहीं पे खत्म हुआ, और मैं जानना चाहूंगा कि प्लान मेरा कितने मिनट में कंप्लीट हुआ दिलीप जी? 3 मिनट में सर। 3 मिनट में हुआ, जब जब मैंने और थोड़ी भूमिका बनाई है, और पीछे आपको बीच में यस वस भी मांगा है, ये 2 मिनट का मैक्सिमम प्लान है। अगर आप नया आदमी देगा तो 1 से 2 मिनट में खत्म होगा, और आज सामने वाला भी शॉर्ट एंड स्वीट सुनना चाहता है। तो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप नीचे लिखें एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, जैसा जिसको लगा है यस लिख सकते हैं, तो ये आपका ये ही आपको आगे बढ़ाएगा। जी सर, जय आरसीएम, नमस्कार सभी साथियों को। नाम लालू कुमार सिंह सर। इस सिस्टम को मैंने जुलाई सितंबर से शुरू किया, और कंपनी ने लालू जी केवल ये बताइए कितने का सामान फ्री मिला है सर? टाइम कम है, अब जब आपकी स्टोरी बाद में देख कर लेंगे। जी 33,890 रुपया का सर। 33,890 रुपए का सामान लालू जी को फ्री मिला है, जो आरसीएम 1 रुपए का पेपर नहीं फ्री देती थी, आज ये आप सोचो 33,000 का सामान फ्री दे रही। तो कैसा लग रहा है लालू जी आपको? बहुत अच्छा सर, बहुत दिल खुश है, बहुत मजा आ रहा है सिस्टम करने में। होने वाला है, जो लोग नहीं जुड़े थे वो भी जुड़ने वाले हैं। और अजय प्रसाद जी कितने का सामान मिला आपको? जी सर, जारसीएम सर 31,000 रुपए का लगभग सामान आया है, और अगर 6 महीने से तुलना करूं इस लॉकडाउन में तो 5,000 रुपया से ऊपर पर महीने का सामान फ्री हुआ सर। धन्यवाद आरसीएम को और आपको सर। बीएस यादव गजरौला कितने का सामान फ्री लेके आए सर? जी सर नमस्कार सभी को। सर मुझे मिला है 25,048 रुपए का सामान, बहुत अच्छा लगा सर। आरसीएम से पहली दफे इस तरह की चीजें मिली है, नहीं तो दूसरे मतलब हम लोग खरीदारी करते थे सिर्फ अपनी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
बहुत शानदार, ऐसे बहुत सारे साथी हैं सर, एक एक लाख के सामान लेके जा रहे हैं और उनको मतलब अभी मतलब ऐसा ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत जगह तो पिकअप सेंटर वाले फोन कर रहे हैं कि सर आप अपना सामान लेके जाओ। तो मेरा ये कहना है कि ये माहौल बन गया है और हमारे बीच में जो हमारे सीनियर साथी हैं आर के चौधरी जी, सर चौधरी साहब जी, सर एवरी मंडे 8 PM JRCM, एवरी डे 7 AM JRCM। सबसे पहले मैं आदरणीय गुरुदेव को उनके जन्मदिन पर ढेरों शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आज मैं वास्तव में बहुत भाग्यशाली हूं कि आज मेरे को पहली बार आदरणीय गुरुदेव का प्लान सुनने को मिला और वो भी दो मिनट का प्लान। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं गुरुदेव को, बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं सर को। और उसके बाद आज की जो प्रस्तुति आदरणीय दिलीप कुमार यादव जी की टीम के द्वारा प्रस्तुति दी है, तो मैं दिलीप को मैं कविताओं में नहीं बोल सकता, मेरे को कविताएं नहीं बनाने आती हैं, मगर आज दिलीप कुमार जी बहुत सुंदर दिख रहे थे। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनकी टीम ने जो वो प्रस्तुति दी पूरी टीम के लिए, एक एक साथी को मैं जो है, जैसे उगन यादव जी, राजेश यादव जी ने जो जानकारी दी बहुत बेहतरीन तरीके से दी। और एक साथी ने, किसी ने प्रश्न किया था कि ये PVMF हमको खाली पेट कैसे लेना, उस साथी ने जिसने प्रश्न किया था उसको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये प्रश्न आना चाहिए, जब प्रश्न आएंगे तब उनके उत्तर मिलेंगे, तब हमको जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरुदेव, आपने जो समय दिया, एक बार फिर मैं आपको ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ जन्मदिन की, बहुत बहुत बधाई सर आप। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और आपकी यही मानता है सर, आपको देख के तो हमें लगता है कि आपने देश की सेवा किया इतने वर्षों, और फिर RCM के माध्यम से फिर से देश के सेवा में आ गए जब आपकी जरूरत नहीं थी। आपको मतलब इस तरह लोग ज़्यादातर इनकम के लिए आते हैं और मैंने आपका तो पूरा जीवन ही समर्पण है देश की उन्नति के लिए, आप ऐसे पद पर हैं तो बहुत शुक्रिया। और पाठक जी, वीरेंद्र पाठक जी, कैसा लग रहा है आज का माहौल जब सामान लोगों को फ्री मिल रहा है? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत ढेर सारी बधाई सर, आपकी आयु बहुत लंबी हो ताकि हम लोगों को लगातार और काफी दिनों तक आशीर्वाद मिल सके सर। और सर ने एक सवाल अभी किया था कि खाली पेट में PVMF नहीं लेने के लिए किन्हीं का सवाल था, तो जो PVMF है सर अपना, उसमें जो प्रोटीन है वो भी मतलब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सब कुछ मिला के 20 ग्राम होता है, और 20 ग्राम जो होता है ना वो एक तरह का भोजन होता है, वो खाली पेट नहीं होता है, अपने आप उसी से पेट भर जाता है, इसलिए वो खाली पेट नहीं है जिनका सवाल था उनके लिए। और सर बहुत मजा आ रहा है सर, मेरे घर में भी लगभग 17,000 का सामान आया है, 17,000 का, तो बहुत मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। और अभी वो समय है जब हम 2,500 बिजनेस वॉल्यूम पे लोगों को ला सकते हैं कि हर घर में 2,500 बिजनेस वॉल्यूम हो और हर घर में RCM का फ्री सामान आए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, बर्थडे मनाना है हम लोग को अभी सर, से पहले सर किसी का 33,000 किसी। और हमारे बीच में गणेश कुमार जी हैं सर, गणेश कुमार जी हैप्पी बर्थडे सर जी। जी सर गुरु जी को हैप्पी बर्थडे टू यू। और बाकी में आज सर जो जो दिखाए हैं टीम बहुत शानदार रहा, उनके टीम को धन्यवाद देते हैं। राम कामत जी भी बार बार खोलते हैं, बधाई और रिजल्ट करते हैं, आता है। डीके मिश्रा सर जो आज प्लान दिखाए हैं वाकई में कम समय में और ये डिजिटल के माध्यम से लोगों के बीच दिखाने का बहुत शानदार चीज दिखाया है सर को, माध्यम से कई बार मीटिंग के माध्यम से भी बहुत सारे चीज सीखे हैं और यहाँ आकर के रोज सीखते हैं, इसके लिए सर को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ। और हम लोगों के बीच में इंजीनियर आर के चौधरी सर आते हैं, कुछ शब्द बहुत शानदार देकर जाते हैं, मैं सर को भी प्रणाम करता हूँ, सभी साथियों का धन्यवाद, थैंक यू, जय RCM। और स्वस्थ रहे, मस्त रहे और RCM में लगे रहे, लगन से टिके रहे, जरूर टेक्निकल बनेंगे, थैंक यू सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। और चूंकि समय भी हो गया, गोपाल जी अगर हैं तो शायद मैं देख नहीं पा रहा हूँ, देख लें एक बार, दिलीप जी हैं क्या, और कोई साथी हो जो बड़ा खुश हो रहा हो, जिसको सामान फ्री मिला हो, एक बार वो अपना मतलब सब ओपन है, खोल के बता सकता है, अपना परिचय दे सकता है। सर हैप्पी बर्थडे,
बस सर बहुत धन्यवाद। हम तो चाहते हैं आप डेली अपने बर्थडे मनाए सर, ऐसा ऐसा हो जाए ये तो कि डेली बर्थडे मनाओ और सर डेली खुशियां मनाओ। बर्थडे टू यू सर, बहुत जानदार।